बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू है सुर महादेव, क्लास फिफ्थ। कहा जाता है कि इस मुकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सद्दायत के नाम पर सुर महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में असुर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उमा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। समाधि में बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सदायत पर दे मारा। त्रिशूल का ये वार इसके लिए महलक साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम जपने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को नहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और उससे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सदायत ने प्रार्थना की कि आए भगवान, मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उससे वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्र से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मकाम का नाम सुद महादेव पड़ा। बाकी वसलाम।